अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में यार आपको एक सैड न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। यार हुआ क्या है कि मैं गया हुआ था दो दिन के लिए ना, रेहान भाई के घर गया हुआ था। तो मेरे जो हाई फ्लायर पिजन थे ना, जो मैंने ऊपर रखे हुए हैं, तो उन पर जब मैं वापस आया हूँ तो बिल्ली ने हमला किया हुआ। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ यार, अच्छा खासा नुकसान हो गया। ये देखो यार, केज का ये व्यू है सारा, और ये हर तरफ से बंद है। तो समझ से बाहर है कि यार बिल्ली आई कहाँ से और लेकर कहाँ गई, और कुछ उसने जो मार दिए हैं यहीं पे मार दिए हैं। तो यार होता क्या था कि जब भी बारिश आती थी ना, तो हमारे जो पिंजरे में कबूतर है ना, वो वैसे तो यहाँ खुली हवा में इंजॉय करते रहते थे। यहाँ पर ये देखें, ओपन ही है सारा, ठीक है। और जब बारिश आती थी तो वो इसके नीचे चले जाते थे। ये देखो, ये टैंकी के यार ये जितने ये होल है ना, ये विंडो आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस जगह पर हमने जाली लगा के इसको बंद कर दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि यार ये पिंजरा टाइप एक बन गया है टैंकी के नीचे भी। तो बारिश जब होती थी तो कबूतर जो है ना, वो यहाँ पर आ जाते थे और बारिश से बच जाते थे। और ये देखो यार, ये कितना खौफनाक किस्म का हमला है उसने यार। बिल्ली ने कोई भी नहीं छोड़ा कबूतर। अच्छा यार, वो जो तीन कबूतर बच गए हैं ना, तो यहाँ तो ऐसा हुआ है कि बिल्ली का पेट भर गया है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई बिल्ली हमला करती है तो यार वो किसी को भी नहीं छोड़ती, अगर खाना नहीं भी होता उसने मार देती है। उनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गए हैं। और बाकी ये देख सकते हैं आप यार, कुछ भी नहीं रहा। जो मेरे पास गिफ्ट आए थे वो भी ख़त्म हो गए हैं आप, और जो है ना वो अच्छा खासा नुकसान हो गया। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको ना बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह यार, ये देखो दरवाज़ा पूरा बंद था, और कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि कहीं से बिल्ली आ जाए, और वो आए तो फिर जाए कहाँ, फिर उसको अंदर ही होना चाहिए था। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि यार बिल्ली, ये जो जगह है, ये थोड़ी सी इतनी सी जगह जो बच गई है, यहाँ से बिल्ली आ सकती है कि नहीं आ सकती। ये देखो यार, ये कितना का होगा बस। और वो जो बिल्ला है ना, जिस पे मुझे शक है, जो एक दो बार मैंने ऊपर आते हुए भी देखा है, तो वो बिल्ला अच्छा खासा मोटा ताज़ा पर्शियन बिल्ला है यार। बहरहाल नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया यार। और ये देखो यार, ये मेरा पिजन जो है ना, ये बड़ा ही कीमती पिजन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। ये बेचारा अब इधर आता है तो दाना पानी खाने के लिए आता है, और फिर उड़ जाता है। अब मैं आपको यार नीचे जा के बताता हूँ कि यार वो जो बिल्ला आया था ना पर्शियन, जिस पे मुझे शक है जिसने खाए होंगे, वो कहाँ बैठा था जनाब? वो यहाँ से आता है, ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैंने देखा भी है, ठीक है। ऊपर जाके वो गायब हो जाता है, शायद साथ वालों की छत पे छलांग मार के कहीं इधर उधर निकल जाता है। और कल जो मैंने वीडियो बनाई है ना उसकी, रात के टाइम की, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, बल्कि आपको ना दिखाऊँगा इसमें ही, इसी वीडियो में। वो इस नुक्कर में, ये देखो ये जो नुक्कर है ना, ये आपको नज़र आ रही होगी, मैंने ये जो ज़ूम किया है, ये थोड़ी सी जगह जो बची है बेल के साथ, यहाँ पर जनाब बड़ा ही वो इजी होके बैठा हुआ है। और बाहर से जब मैं वीडियो बना रहा था तो आंखें उसकी इतनी चमक रही थी यार, क्या बताऊं आपको। तो बड़ा खौफजदा करने वाला माहौल था। और यार क्या सुनाएं आपको, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं अपने बाकी बर्ड्स की वीडियो बनाऊं, बस इतना ही बताना था आपको कि यार कबूतरों पे एक हमला हो चुका है, तो वो मैंने व्लॉग में बता दिया आपको। बाकी इंशाल्लाह कल जो है ना, वो लॉन्ग वीडियो मैं बनाऊंगा,